वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाई तथा बहनों, उत्तराध्याय सूत्र का हमारा वाचन चल रहा है। इसके अंतर्गत हमने 42 सूत्रों की चर्चा कंप्लीट की। आज हम 43 सूत्र से चर्चा प्रारंभ करेंगे। तो सूत्र का उच्चारण करेंगे। सबसे पहले पड़ी रू यायेणम बंते जीवे किम जनये। पड़ी रू या प्रतिरूपता, प्रतिरूपता का मतलब है जिन कल्पिक जैसे आचार का पालन करने वाले। बनते प्रतिरूपता का पालन करने से जीव में जीव को कि मैंने क्या जड़ यही प्राप्त होता है, क्या प्राप्त करता है। क्योंकि दो प्रकार की परंपरा है, एक दिगंबर परंपरा, एक श्वेतांबर परंपरा। तो श्वेतांबर परंपरा होती है वो सफेद कपड़े पहनती है, इसीलिए श्वेतांबर कहे जाते हैं। जो दिगंबर परंपरा होती है वे बिल्कुल भी कपड़े नहीं पहनते, इसलिए वो दिगंबर। दिग यानी दिशा, अंबर यानी कपड़े, दिशा है जिसके कपड़े हैं वो दिगंबर। जो दिगंबर होते हैं वो जिन कल्पिक जैसे साधु होते हैं, इनकी कोई ड्रेस नहीं होती है, कोई कपड़े नहीं पहने होते हैं, वैसे ही उनका आचार का पालन होता है। वर्तमान समय में भी हम देखते हैं कि काफी सारे दिगंबर साधु भी हैं, आज भी वो बिना कपड़े रहते हैं। तो दिगंबर साधु भी हैं, और श्वेतांबर साधु तो देखते हैं सफेद कपड़े पहनते हैं। तो भगवान महावीर के टाइम जो साधु होते थे वो सफेद कपड़े पहनते थे, लेकिन भगवान पार्श्वनाथ के समय जो साधु होते थे वो पीले कपड़े पहनते थे। और कई सन्यासी देखते भगवे कपड़े भी पहनते हैं। तो कपड़े पहनने की भी अलग अलग विधि है। तो श्वेतांबर होंगे वो सफेद कपड़े पहनेंगे, बाकी जो सन्यासी होते हैं वो ऑरेंज कलर के जो भगवे कपड़े होते वैसे पहनते हैं, लेकिन जो दिगंबर साधु होते हैं वो कपड़े नहीं पहनते हैं। तो यहाँ पे बताया है कि प्रतिरूपता का मतलब है जो जिन कल्पिक जो साधु होते हैं वो कैसे आचार का पालन करते हैं, वो कपड़े भी नहीं पहनते हैं। वो जिन कल्पिक साधु होते हैं सामने कोई भी कष्ट आए उसको दूर नहीं करते, उसका वेलकम करते हैं। और सपोज रास्ते में सर्प भी आ गया तो भी वो रास्ता चेंज नहीं करेंगे, उसी मार्ग से जाएंगे। कांटे भी आ गए तो भी मार्ग चेंज नहीं करेंगे। उनका जो आचार होता है वो बड़ा कठोर होता है। तो ये जो प्रतिरूपता का मतलब है जो जिन कल्पिक साधु के जैसे आचार का पालन करता है तो उससे जीव को क्या मिलता है। तो भगवान कहते हैं पड़ी रुयायणम लाघवियम जनये। प्रतिरूपता से वह हल्केपन को प्राप्त होता है, क्योंकि उनके पास कपड़े नहीं है, इसलिए उनको पलेवड़ा नहीं करना है, धोना नहीं है, सिलना नहीं है, कितने सारे काम कम हो गए। कपड़े के पीछे कितने सारे काम होते हैं, इसलिए वो हल्केपन की अनुभूति करते हैं, हल्केपन को प्राप्त होते हैं। उपकरणों के अल्पीकरण से हल्का बना हुआ, क्योंकि उनके पास उपकरण भी नहीं होंगे, कपड़े नहीं है तो उसके पीछे कितने सारे उपकरण भी कम हो जाएंगे, इसलिए वो एकदम अल्पीकरण, यानी अल्पीकरण बहुत कम उनके, यानी कई होते हैं साधु उनके पास वो बहुत कम उपकरण होते हैं, यानी वस्त्र पात्र जितने लिमिट में जितने हैं उतने ही होते हैं, वो ज्यादा नहीं रखते हैं, क्योंकि अपने ही शोल्डर पे, अपने ही कंधों पे उनको अपना जो भी सामान होता है वो ले जाना होता है, इसीलिए वो कम से कम उपकरणों को रखने की वो आदत डालते हैं, नहीं कम से कम उपकरण रखते हैं। तो लहु भुयेणम जीवे अपमत्ते पागड़ पागड़ लिंगे पसत्त लिंगे विशुद्ध सम्मत्ते। एक प्रतिरूपता से एक तो क्या हुआ, लाघवता को प्राप्त हुआ। लाघव यानी हल्केपन की अनुभूति होती है, और लघुभूत यानी जब हल्का हो जाता है, अल्प उपकरण हो जाता है, तो जीव क्या हो जाता है, अप्रमत्त हो जाता है। क्योंकि वस्त्र पात्र जितने उपकरण ज्यादा होंगे उसको ध्यान रखना पड़ेगा, टेक केयर करनी पड़ेगी, वो सारा समय बच जाएगा, फिर वो अप्रमत्त हो जाएगा। अप्रमत्त हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, पागड़ लेंगे। और क्या लाभ मिलेगा इससे प्रतिरूपता से, पहला लाभ तो हुआ वो हल्का हो जाएगा, दूसरा लाभ हुआ उनको इनके जो उपकरण है वो कम होने से वो हल्का हो जाता है। तीसरी बात है मतलब हल्का होने से अप्रमत्त हो जाता है। तीसरा लाभ है प्रकट लिंग हो जाएगा, प्रकट लिंग वाला मतलब उनका जो लिंग्स नेचुरल जो है, जन
जैसे बच्चा जन्म लेता है नेचुरल रूप में होता है, वैसे ही जो दिगंबर साधु होते हैं नेचुरल होते हैं, तो उनके प्रकट लिंग वाला होता है, प्रशस्त लिंग वाला होता है, उनमें किसी भी प्रकार का विकार नहीं होता है, इसलिए प्रशस्त लिंग वाला होता है। विशुद्ध सम्यक्त्व वाला, उनके विशुद्ध सम्यक्त्व क्षायिक सम्यक्त्व की भी प्राप्ति हो जाती है, पराक्रम और समिति से परिपूर्ण, वो पराक्रम करने वाले होते हैं। और जो समिति है, पांच समिति, ईर्ष्या, भाषा, एषणा, आदा, निश्चित, उत्सर्ग, ये जो पांच प्रकार की समिति है, उनसे भी वो परिपूर्ण होते हैं, उनका पूरा वो ध्यान रखते हैं। और सर्व प्राण भूत जीव और सत्वों के प्रति विश्वसनीय रूप वाला, ने जितने भी मतलब संसार में जितने भी प्राण है, भूत है, जीव है, सत्व है, उन सब के प्रति भी विश्वसनीय, यानी उन सब की वो रक्षा करने वाला होता है। अप्रतिलेखन वाला, क्योंकि उनके पास वस्त्र नहीं है, पात्र नहीं है, तो वो प्रतिलेखन भी उनको नहीं करना पड़ेगा, इसलिए अप्रतिलेखन वाला। और जितेंद्रिय, ने पांच इंद्रिय मन को जीतने वाला, विपुल तप और समितियों का सर्वत्र प्रयोग करने वाला, उन्होंने वो जो साधु होगा प्रतिरूप, यानी जिन कल्पिक जो है साधु, उनके समान जो आचार का पालन करता है, वो विपुल बहुत सारी वो तपस्या करेगा, ये ज्यादा से ज्यादा वो तप करने का वो प्रयास करेगा। और जो पांच समिति है उनका भी वो प्रयोग करता है, यानी वो ध्यान से ईर्ष्या समिति के साथ चलता है, भाषा समिति यानी बोलता है तो भी सोच समझ करके बोलता है, ईर्ष्या भाषा, एषणा, एषणा यानी जब गोश्री के लिए जाता है तो गवेषणा करता है, ये आहार लेने योग्य है या नहीं है, शुद्ध है या अशुद्धता तो नहीं है, पूरा ध्यान रखता है। ईर्ष्या भाषा एषणा आदा निक्षेप में जो बस जो भी उनके पास ऐसे कुछ होता नहीं, अगर हो तो वो क्या करते हैं, उनको लेते समय रखते समय वो उनका ध्यान रखते, सपोज उनके पास बुक है, बुक तो वो पढ़ते ही है, तो बुक को रखेंगे लेंगे तो ध्यान से रखेंगे। और उत्सर्ग समिति, यानी जब वो उत्सर्ग के लिए जाते हैं तो उस समय भी वो पूरे पूरा ध्यान रखते हैं, क्योंकि उस समय तो खुला था, बाहर जाते थे तो पूरा ध्यान रखते थे, कहीं जीव जंतु तो नहीं है, कहीं मतलब कोई लोग आते जाते तो नहीं है, कोई देख तो नहीं रहा है, पूरा ध्यान रख करके वो उस समिति का मतलब उत्सर्ग समिति का भी पालन करते थे। यानी पांचों प्रकार की जो समिति है साधु के, उन सब का वो प्रयोग करने वाला होता है। तो प्रशस्त लिंग वाला हो गया, विशुद्ध सम्यक्त वाला हो गया, सप्त समिति मैंने समिति और सत्य ने पराक्रम करने वाला होता है, और सब यानी सभी, प्राण यानी प्राण, भू यानी भूत, जीव और सत्य यानी सत्वों के प्रति जरूरी यानी विश्वसनीय रूप वाला होता है। अपरिलेखन अप्रतिलेखन यानी प्रतिलेखन नहीं करना पड़ता है। जीन्द्रिय का मतलब जितेंद्रिय होता है, मूल का मतलब विपुल, तव यानी तप, समी यानी समिति, संबंध आगे में उससे युक्त होता है, उसका प्रयोग करने वाला होता है, भवई का मतलब होता है। नेक्स्ट सूत्र है, वयावच्छेदं भन्ते जीवे किं जनयेयुः। वयावच्छेदं का मतलब वयावृत्ति, वयावृत्ति का मतलब होता है सेवा, तो सेवा करने से जीव को क्या प्राप्त होता है, भगवान कहते हैं वयावच्छेदं तीर्थयर नाम गोत्रम कम्मं निबन्धयेयुः। वयावच्छेदं, वयावृत्ति से यानी सेवा करने से, ने साधु संघ की सेवा करने से जीव क्या कर सकता है, क्या मान सकता है, तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म का मुंह बंद कर सकता है। नहीं, तीर्थंकर गोत्र कर्म बंद के 20 कारण है, उनमें एक कारण है सेवा, जो सेवा करता है साधु संघ की एकदम अग्लान भाव से, एकदम उत्कृष्ट भाव से जो सेवा करता है साधु संघ की, वो तीर्थंकर गोत्र कर्म का भी बंद कर सकता है। वो तीर्थंकर गोत्र बंद के 20 कारण, उसमें एक तपस्या है, अर्हत भक्ति है, सिद्ध भक्ति है, तो ऐसे ही सेवा भी है। तो सेवा करने से कितना बड़ा लाभ होता है, इतना पुण्य अर्जन होता है, इतना पुण्य अर्जन हो जाता है, जिसके कारण वो तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन कर लेता है। ऐसा प्रसंग मिलता है ज्ञाता सूत्र में, 20 कारण बताए गए हैं तीर्थंकर गोत्र कर्म बंद के, उनमें एक कारण है सेवा, और सेवा है वो निजरा का प्रकार है, तो निजरा के 12 प्रकार है, उसमें एक है वैयावृत्त,
सेवा करने से निद्रा होती है कर्मों की, कर्मों की जितनी जितनी निद्रा होती है उससे पुण्य का बंध होता जाता है। पुण्य का बंध वो अकेला नहीं होता है, वो निद्रा के साथ ही होता है। तो वैयावृत्ति क्या है? निद्रा का प्रकार है। तो निद्रा में सेवा करेंगे तो निद्रा होगी, अशुभ कर्म कटेंगे, शुभ कर्म का बंध होगा यानी पुण्य का बंध होगा। तो पुण्य के लिए सेवा नहीं करना है, लेकिन मेरी कर्मों की निद्रा हो उस भाव से हमें सेवा करना है साधु संघ की। तो जो सेवा करता है उत्कृष्ट भाव से, अज्ञान भाव से, बिना इच्छा यानी कोई मन में ये नहीं कि मैं इनकी सेवा करूं, मुझे अमुक चीज मिल जाए, अमुक वस्तु मुझे मिल जाए, अच्छा हो जाए सब कुछ, उस भाव से नहीं करना। वो चीज मिलेगी लेकिन आगे आपको बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला था, उससे आप वंचित रह जाएंगे। तो तीर्थंकर गोत्र कर्म का बंध तो बहुत बड़ी चीज होती है। तो वो भाव से, मतलब मेरा तीर्थंकर गोत्र कर्म का बंध हो उसके लिए मैं सेवा करूं ऐसा नहीं। जो भी मन में कोई इच्छा नहीं रखनी, जो भी साधु साध्वी है उनके में क्या करना है, अज्ञान भाव से सेवा करना है, यानी किसी भी प्रकार का मन में भाव नहीं रखना है। इस साधु साध्वी की सेवा करो तो मुझे अमुक वस्तु की प्राप्ति हो, उस भाव से नहीं करना है, कर्मों के निद्रा के लिए करना है। नेक्स्ट है, सब गुण संपन्नायणं बनते जीवे किम जनगे। सब गुण संपन्नाय मैंने सर्व गुण संपन्नता से जीव क्या प्राप्त करता है। तो सब गुण संपन्नायणं अपूर्ण अपूर्ण रावत्तिम जनये। सर्वगुण संपन्नता से अपूर्ण रावत्तिम का मतलब है मोक्ष, जहां से पुनः आना नहीं होता है, वापस जन्म नहीं होता है, वो होता है अपूर्ण रावत्तिम। तो सर्वगुण संपन्नता से अपूर्ण रावत्तिम जनये, अपूर्ण रावत्तिम का मतलब है मोक्ष को प्राप्त होता है। तो सर्वगुण संपन्नता का मतलब है अनंत ज्ञान, आनंद दर्शन, क्षायिक सम्यक्त्व और चारित्र। तो ये यथाख्या चारित्र, ये जब प्राप्त हो जाता है जीव क्या बन जाता है, सर्वगुण संपन्न हो जाता है। तो सर्वगुण संपन्न हो गया तो उसको क्या मिलेगा, मोक्ष मिलेगा। और मोक्ष में चला जाएगा जीव तो अपुनरावृत्तिम पत्तये, अपुनरावृत्ति को वो पत्तये प्राप्त होता है। नम जीवे शारीर मानसाणम दुखान नो भागी भवई। और वो शारीर का मतलब शारीरिक, मानसान का मानसिक, दुखानंद दुखों का नो भागी भवी, भागी नहीं होता है। यानी जो सर्वगुण संपन्न जीव बन गया, यानी अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन और क्षायिक चारित्र, यथा क्षायिक सम्यक तो यथा क्या चारित्र की प्राप्ति हो गई, उससे जीव क्या होगा, मोक्ष होगा उससे। और मोक्ष होगा तो वो संसार में वापस नहीं आएगा। संसार में कौन परिभ्रमण करता है, जिस जीव के कर्म होते हैं तो वो संसार में परिभ्रमण करते रहते हैं। एक क्षायिक सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाए तो उसी भाव में मोक्ष होता है, अथवा तीसरे भाव में तो अवश्य ही मोक्ष होता है। तो वो जब क्षायिक सम्यक्त्व की प्राप्ति होगी तो वो जो सात प्रकृति है, अनंतानो मंदी क्रोध मान माया लोभ सम्यक तो मोहनी मिथ्या तो मोहनी मिश्र मोहनी, इन सातों प्रकृतियों को वो क्षीण कर देता है, तब तो क्षायिक सम्यक्ति की प्राप्ति होती है। और क्षायिक सम्यक्ति की प्राप्ति जब हो जाती है तो जीव उसी भाव में मोक्ष जाता है, अथवा तीसरे भाव में तो वो अवश्य ही जाता है। तो वो मोक्ष जाएगा तो फिर वो जन्म मरण से मुक्त हो जाएगा हमेशा के लिए। और जन्म मरण से जब जीव मुक्त हो जाएगा, उसको जो फिजिकल कष्ट है, मेंटल कष्ट है, वो भी उसके नहीं रहेंगे, क्योंकि अब उनके न जन्म लेना है। तो जन्म के साथ सारे दुख जुड़े हुए हैं, व्यक्ति क्या करता है, मृत्यु से डरता है, लेकिन डरना किससे चाहिए, जन्म से, कि हमारा वापस जन्म ना हो, इसी जन्म में हमारा मोक्ष हो जाए, ऐसा हमें प्रयास करना है, पुरुषार्थ करना है। हम लोग डरते हैं मृत्यु से, कहीं मृत्यु ना आ जाए, लेकिन मृत्यु के बाद जन्म होता है, तो जन्म से डरना, जन्म होगा तो मृत्यु होगी, मृत्यु के साथ जन्म जुड़ा हुआ है। इधर तो मृत्यु होती है उधर जन्म होता है, इधर जन्म होता है तो उधर मृत्यु होती है। तो हमें जन्म से डरना है। तो जब जन्म और मरण से मुक्त हो जाएंगे तो मोक्ष हो जाएगा, और मोक्ष होने के बाद तो
हम हमेशा हमेशा के लिए जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। और जन्म मरण से मुक्त होने से हमारे जो शारीरिक कष्ट होते हैं, मानसिक कष्ट होते हैं, वो सारे कष्टों से हम मुक्त हो जाएंगे। न रोग, न शोक, न दुख, न दारिद्र, कुछ भी नहीं रहेगा। एकदम परमानेंट सुख, जहाँ ऐसा सुख कभी भी खत्म नहीं होगा। यहाँ तो हमें सुख मिलता है, थोड़ी सी कोई अच्छी वस्तु मिल गई, आपको सुख की अनुभूति हुई, आनंद की अनुभूति हुई, लेकिन वो टेम्पररी है, परमानेंट नहीं। थोड़े समय के लिए आपको अच्छा लगता है, नया मकान लिया तो 1 साल तक आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत टेक केयर करेंगे, लेकिन बाद में आपको इसको कोई खास नहीं लगेगा। शादी करेंगे तो आपको 1 महीना बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन बाद में लगता है अरे शादी नहीं करता तो अच्छा होता, शादी बर्बादी। मतलब कुछ भी आप जैसे तैयार होते, मेकअप करते तो 1 दिन के लिए आपको अच्छा लगता है, लेकिन दूसरे दिन वो भी आपको अच्छा नहीं लगता है। तो ये जो संसार के जो सुख है वो टेम्पररी है, और जो मोक्ष के जो सुख है वो परमानेंट है, वो कभी भी खत्म होने वाले नहीं, ऐसे सुख हैं। तो सर्वगुण संपन्नता से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब नेक्स्ट है, वीराग यायेनम बंते जीवे किम जनये। वीराग का मतलब वीतराग, वीतरागता से जीव को क्या प्राप्ति होती है। भगवान कहते वीराग यायेनम नेहानुबंधनानि तन्नानुबंधनानि या वोचिन्दे वोचिन्दई मनुन्येषु सद्य फरिस सरूप गंधेषु चेव विरज्जयी। वीतरागता से क्या प्राप्त होता है, तो भगवान कहते हैं वीतरागता से नेहानुबंधनानि तन्नानुबंधनानि या वोचिन्दई। नेहानु का मतलब, नेह का मतलब स्नेह, स का लोप हो गया है, नेह का मतलब स्नेह के अनुबंधनानि यानी अनुबंधनों, और तन्हा माने तृष्णा, तृष्णा के अनुबंधों को वो क्या करता है, वो छिन्दई विच्छेद कर देता है। अब आपके मन में प्रश्न होगा स्नेह क्या है और तृष्णा क्या है। तो स्नेह का मतलब होता है पुत्र के प्रति जो हमारा स्नेह होता है, पुत्र के प्रति स्नेह होता है, अपने बच्चों के प्रति, अपने संतान के प्रति जो स्नेह होता है, जो राग होता है, वो स्नेह कहा जाता है। और तृष्णा का मतलब जो धन के प्रति जो आपका अटैचमेंट होता है, आसक्ति होती है, वो तृष्णा कहा जाता है। तृष्णा का मतलब तृष्णा है आगे से आगे बढ़ती जाती है, कि अभी आपको 100 रुपये मिल गए तो आपके मन में आएगा मुझे 1,000 मिल जाए, 1,000 मिल गए तो आपको लगेगा एक लाख रुपये मुझे मिल जाए। आगे से आगे आपकी तृष्णा है वो बढ़ती जाएगी, इच्छा है, डिजायर है, वो बढ़ती जाएगी। तो तृष्णा किसके प्रति होती है, धन के प्रति, यानी और अधिक पाने की चाह होती है, वो है तृष्णा। जो हमारे जो संतान है, अपने अपने बच्चे हैं, उनके प्रति जो हमारा राग भाव होता है वो होता है स्नेह। तो स्नेह और तृष्णा दोनों ही, दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है, ऐसा टिप्पण में मैंने पढ़ा था। तथा मनोज्ञ शब्द स्पर्श रस रूप और गंध से विरक्त हो जाता है। जब व्यक्ति वीतराग बन जाएगा तो उनके सामने चाहे मनोज्ञ, मनोज्ञ का मतलब मन के अनुकूल, मन के अनुकूल, और अमनोज्ञ का मतलब है मन के प्रतिकूल। जब वीतराग बन जाता है, वीतराग का मतलब जिसके राग द्वेष खत्म हो गए, उनके सामने चाहे मनोज्ञ अच्छे शब्द हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे अच्छे शब्द न हो तो भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि तो वो वीतराग बन चुका है। तो स्पर्श चाहे अच्छे हो बुरे हो, रस रूप और गंध, उन सबसे उनकी विरक्ति हो जाती है, यानी उनका कोई इंटरेस्ट इन चीजों में नहीं रहता है। हमें तो कोई अच्छे सॉन्ग आते हो तो हमें अच्छे लगते हैं, कोई अच्छी पिक्चर या कोई अच्छी दृश्य आ रहे हो तो क्या लगेगा, सोचेंगे इसको देखते रहे, लेकिन जो वीतराग हो उनके लिए तो कोई भी कुछ भी आ रहा हो उनको कोई मतलब नहीं है। वो स्मेल भी अच्छी हो, चाहे गुड़ हो चाहे बेड हो, उनके लिए सब समान है। रूप भी कितना अट्रैक्टिव हो, कितना ही हैंडसम व्यक्ति हो, उनके लिए मतलब नहीं है, सब समान है। तो रस टेस्ट कितनी चीजें हो खाने की, तो वो खाएंगे लेकिन वो सीधा निगल जाएंगे, उसका वो टेस्ट भी नहीं लेंगे। जिसे गौतम स्वामी के लिए कहा जाता है कि गौतम स्वामी आहार करते थे, इधर से किया तो दूसरी जगह भी नहीं जाने देते थे, वो बस इधर से लिया सीधा नीचे उतार देते थे, मतलब रस टेस्ट नहीं लेते थे। और हम लोग होते तो टेस्ट ले लेके खाते हैं, लेकिन जो वीतराग बन जाते हैं वो मनोज्ञ शब्द रस रूप और गंध से वो विरक्त हो जाता है, उनकी मतलब विरक्ति हो जाती है,
उदासीनता हो जाती है, यानी उनके प्रति उनकी किसी भी प्रकार की आसक्ति नहीं होती, अटैचमेंट नहीं होता है, डिटेच हो जाते हैं। तो खंतीयणम बनते जीवे किम जोड़ा, ये खंती का मतलब शांति, शांति से जीव को क्या प्राप्त होती है, शांति का मतलब यह लिया है सहिष्णुता, ऐसे शांति का ना सहिष्णुता भी कह सकते, क्षमा भी कह सकते हैं। तो क्षमा भाव से यानी सहिष्णुता से जीव को क्या मिलता है, तो खंतीयणम परिसहिजणैः, शांति से वो परिसहों पर विजय प्राप्त कर लेता है। उन्हें साधु जीवन में 22 परिसह होते हैं, उत्तराध्यान सूत्र का जो सेकंड नंबर का चैप्टर है उसमें परिसह का डिटेल से वर्णन है, एक्सप्लेन किया हुआ डिटेल से। तो 22 टाइप के वो परिसह होते हैं, तो जिस व्यक्ति में टॉलरेंस पावर होता है वो परिसहों पर विजय प्राप्त कर लेता है, जिसमें टॉलरेंस पावर नहीं होता है वो क्या है, परिसह से वो घबरा जाता है, विचलित हो जाता है, फिर संयम मार्ग को वो छोड़ देता है। लेकिन जिसमें टॉलरेंस पावर स्ट्रांग होता है वो कितने भी परिसर आए उन सब पर वो विजय प्राप्त कर लेता है, नहीं उसको जीत लेता है। तो क्षमा मोक्ष का द्वार है, क्षमा करने से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो क्षमा वही व्यक्ति कर सकता है जिसमें सहिष्णुता होती है, सहनशीलता होती है, टॉलरेंस पावर स्ट्रांग होता है, वह व्यक्ति क्षमा कर सकता है। क्षमा करने वाला व्यक्ति महान होता है, जो क्षमा नहीं करता है वो व्यक्ति महान नहीं होता है। तो इसीलिए कहा जाता है क्षमा वीरषि भूषणम, क्षमा वीरों का आभूषण है। तो वीर व्यक्ति होते हैं वो क्या कर देते हैं, क्षमा कर देते हैं, कोई सामने वाला कितना ही वो उनको परेशान करे लेकिन वो महान व्यक्ति होते उनको क्षमा कर देते हैं, उनकी बराबरी नहीं करते हैं। तो हम छोटे लोग होते हैं तो क्या करते हैं, हम सोचे हमारे साथ ऐसा किया तो हम क्यों ना करें, हमेशा बोला तो एक बोला तो हम सोचेंगे चार बोले, जब तक चार नहीं बोलेंगे तब तक खाना भी हजम नहीं होगा। लेकिन जो महान व्यक्ति होते हैं उनको कोई कष्ट दे, कोई गाली दे, कोई कुछ भी कहे, उन सबको वो समता से सहन कर लेते हैं, इसीलिए वो आगे बढ़ जाते हैं। और क्षमा करने वाला तो मोक्ष भी चला जाता है, जो भी जिसने भी क्षमा किया आज तक वो सब मोक्ष चले गए। अर्जुन माली थे, उन्होंने कितने अपने जीवन में पाप किए थे लेकिन 6 महीने के अंदर ऐसी क्षमा की तो उनका मोक्ष हो गया। दृढ़ प्रहारी देखो, उन्होंने कितने कितने जीवों की हिंसा की थी लेकिन उन्होंने इतनी क्षमता रखी, समता रखी, सहिष्णुता धारण की, तो जिसके कारण दृढ़ प्रहारी का भी मोक्ष हो गया। गजस्व कुमार को देखो, उन्होंने भी कितनी सहिष्णुता रखी, इतनी छोटी सी उम्र, 16 साल की उम्र, तो सिर के ऊपर अंगारे, मिट्टी की बाल बांधी हुई, खदबद खदबद पूरा सिर हो रहा है, फिर भी वो इतनी समता से वेद विज्ञान का चिंतन करते करते, आत्मा अलग है शरीर अलग है, जो भी कष्ट हो रहे शरीर को हो रहा आत्मा को नहीं हो रहा, ऐसा चिंतन करते करते उनका केवल ज्ञान उनको हो जाता है, मोक्ष भी हो जाता है। वो कैसे हुआ, सहन किया, यदि सहन नहीं करते तो वापस मेर की परंपरा बढ़ती जाती। तो भगवान पार्श्वनाथ और जो कमठ, दोनों ही कई जन्मों से उनका वेर चल रहा था, लेकिन भगवान पार्श्वनाथ ने हर जन्म में क्षमा की, कमठ ने हर जन्म में भगवान को मारा, जिसके कारण कमठ तो संसार में परिभ्रमण कर रहा है और भगवान पार्श्वनाथ के जो जीव थे वो हर जन्म में उनके साथ क्षमा करता रहा, क्षमा करता रहा, जिसके कारण उनका मोक्ष हो गया, तीर्थंकर भी बन गए। तो कहने का मतलब है जो क्षमा होता है, जिसमें सहिष्णुता होती है, टॉलरेंस पावर होता है, वो व्यक्ति जल्दी मोक्ष जाता है। तो और परिसर जो भी जीवन में आती है, अनुकूलता है, प्रतिकूलता है, जो भी आती है उनको भी वो जीत लेता है, विजय प्राप्त कर लेता है। मुत्तेनम बनते जीवे किम जनई, मुत्तेन में मुक्ति, मुक्ति में क का लोप हो गया, डबल ती हो गया, मुक्ति, मुक्ति मतलब मुक्ति से, द्वितीय एकवचन, मुक्ति से जीव को क्या प्राप्त होता है। भगवान कहते मुक्तियेनम अकिंचनम जड़यै, मुक्ति से अकिंचनता को जड़े नहीं प्राप्त होता है। यह मुक्ति का मतलब वो मोक्ष नहीं है, यह मुक्ति का अकिंचन है निर्लोभता, निर्लोभता यानी जिसमें लोभ की भावना नहीं है, तो अकिंचनता को प्राप्त होता। अकिंचने यह जीवे अत्थ लोलाणम अपत्यम
जो भवई अकिंचन जीव अथ लोलाणम, अथ कान अर्थ, लोलाणम कान लोलुप, पुरुषों के अप्रार्थनीय अपथणिज कान अप्रार्थनीय होता है, अकिंचन जीव होता है वो अर्थ लोलुप पुरुषों के द्वारा अप्रार्थनीय होते हैं, यानी उनके पास कुछ भी नहीं है। अकिंचन का मतलब एक गरीब होता है, दरिद्र होता है, या अकिंचन का मतलब है साधु, साधु होता है, अकिंचन होता है, उनके पास किसी भी प्रकार का परिग्रह नहीं होता है, यानी धन धान्य कुछ भी उनके पास बैंक बैलेंस नहीं होता है, इसलिए उनके पास कोई लोग मांगने के लिए भी नहीं आता है। मांगने के लिए किसके पास आएंगे, जिसके पास पैसे होंगे उनके पास जाएंगे। अगर साधु संतों के पास लोग आते हैं तो आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं, या मंत्र लेने के लिए आते हैं, आप ऐसा मंत्र दे दो कि जिससे हम मालोमाल हो जाए, अब ऐसा आशीर्वाद दे दो कि हम हमेशा सुखी रहे, तो आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं या मंत्र के लिए आते हैं, लेकिन पैसा मांगने के लिए कोई नहीं आते हैं, धन मांगने के लिए कोई नहीं आते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इनके पास कुछ भी नहीं है। तो मुक्ति का मतलब है निर्लोभता, तो निर्लोभता से जीव क्या है, अकिंचन भाव को प्राप्त होता है, और अकिंचन जब होता है तो उसके पास कोई भी मांगने के लिए नहीं आता, याचना का मतलब है मांगना, मांगने के लिए कोई नहीं आता है। और नेक्स्ट है अज्वयायणम बंते जीव किम जने, शांति मुक्ति आर्जव मार्दव, चार है इसमें, तीसरा है अज्व, अज्व का मतलब आर्ज, आर्जव, अज्वयायणम बंते जीव किम जने, आर्जव यानी ऋजुता, ऋजुता से जीव को क्या प्राप्त होता है, ऋजुता का मतलब है सरलता, जैसा अंदर वैसा बाहर, जैसा बाहर वैसा अंदर, ऐसा नहीं कहना कुछ करना कुछ, आज का व्यक्ति कहता कुछ है करता कुछ है, दिखाता है सीमेंट लगाता है चूना, कहता है मैं मुंबई जाता हूँ निकलता है पुणे, कहता है मैं लंदन जाता हूँ निकलता है जापान, व्यक्ति की कथनी कन्नी समान नहीं है। तो जहाँ छल कपट होता है, माया चार होता है, यानी माया का व्यवहार होता है, उसकी शुद्धि नहीं होती है, शुद्धि किसकी होती है, ऋजु व्यक्ति की शुद्धि होती है। तो भगवान कहते हैं ऋजुता से क्या मिलेगा, भगवान से प्रश्न किया गौतम स्वामी ने, ऋजुता से यानी सरलता से जीव को क्या प्राप्त होता है, तो भगवान कहते हैं अज्जोयायणम काउ काउ जुयेयम भाव जुयम भासु जुयेयम अभी समायणम जनये, अज्जोयायण आर्जवता से, आर्जव यानी ऋजुता से, कायुज्यम, कायुज्य ने काया की सरलता, काया ने शरीर की सरलता, भावजन भावों की सरलता, और भाषु का मतलब भाषा की सरलता, अभी संवायन का मतलब मतलब इसका मतलब होता है, अभी संवाद का मतलब होता है कथनी करने की समानता, एक तो विसंवाद होता है एक अविसंवाद होता है, विसंवाद का मतलब होता है जिसकी कथनी करनी समान नहीं, कहता कुछ है करता कुछ है, लेकिन जिसका अविसंवाद होता है यानी जिसकी कथनी करनी समान होती है, तो वो ऋजु व्यक्ति की क्या होती है, कथनी करनी की समानता से वो संपन्न होता है, और ऐसा जीव क्या होता है धम्मस आराह है भवई, धम्मस से धर्म की, षष्ठी एक वचन धम्मस धर्म की आराधना आराधना करता है, यानी धर्म का आराधक होता है, जो रिजु व्यक्ति होता है जिसका शरीर से मैंने जो मन में है वही वचन में है वही काया में है, ऐसा नहीं कहता कुछ है करता कुछ, ऐसा नहीं, एक जैसा व्यवहार है, मन वचन शरीर तीनों का व्यवहार एक जैसा है, कुटिलता बिल्कुल भी नहीं है, जो सरल व्यक्ति होता है वो धर्म की आराधना कर सकता है, जो कुटिल होता है वो धर्म की आराधना नहीं कर सकता, यानी जो छल कपट करता है कहता कुछ है करता कुछ है, उस व्यक्ति का दिमाग उसी में दौड़ता रहेगा, ऐसा मैंने किया है तो इसको और कैसे मैं छुपाऊं जिसके कारण मेरी मिस्टेक किसी को पता न चले, वो उसी में उसका दिमाग उलझा रहता है। सरल व्यक्ति होता है उसने ऐसा कुछ किया नहीं, छल कपट किया नहीं, माया की नहीं, उसका दिमाग एकदम शांत पीस होता है, तो आराम से वो धर्म की आराधना कर सकता है। भगवान कहते हैं सो ही उज्जूय भूयस धम्मो शुद्ध चित्ते, उसी व्यक्ति की शुद्धि होती है जो रिजु होता है, और जो जो व्यक्ति रिजु होता है उस व्यक्ति के हृदय में धर्म निवास करता है, जो कुटिल होता है मायावी होता है उसमें धर्म भी टिक नहीं सकता है, तो
धर्म की आराधना फिर कैसे करेगा? तो धर्म की आराधना करने के लिए सरल होना जरूरी है, सरलता। नेक्स्ट है, मद्वयायनं पंथे जीवे किम जड़ई, मृदुता से जीव क्या प्राप्त करता है? मृदुता का मतलब है कोमलता, सॉफ्टनेस, उसे जीव को क्या मिलता है? भगवान कहते हैं मद्वयायनं अनुष्यतम जड़ई, अनुष्यतेण जीवे न्यू मद्व संपन्ने अट्ठ मय ठाणाई नित्य वेयी। मद्वय का मतलब मृदुता से, अनुष्यतम का मतलब अनुदत्त मनोभाव को प्राप्त करता है, यानी उसके जो मनोभाव होते हैं वो एकदम अनुदत्त मतलब विनम्र होते हैं, बिल्कुल भी उसके उदंडता नहीं होती है। अनुष्यतेण मतलब अनुदत्त मनोभाव वाला जीव, म्यू मैंने मृदु, और मद्व का मतलब माधव भाव से संपन्न होकर के अट्ठ मैंने आठ, मदमय मैंने मद ठाणा मैंने स्थानों को निट्ठवी विनाश कर देता है। यानी जो व्यक्ति मृदु होता है, विनम्र होता है, वो व्यक्ति क्या करता है, आठ प्रकार के जो मद हैं, आठ प्रकार के मद कौन से हैं? जाति, गुण, बल, रूप, तप, श्रुत, लाभ, ऐश्वर्य, ये आठ प्रकार के मद हैं। तो वो आठ प्रकार के जो मद हैं, ईगो हैं, उन सब का वो क्या कर देता है, नाश कर देता है, क्योंकि उनके अंदर क्या है, सॉफ्टनेस है, विनम्रता है। तो जो व्यक्ति विनयवान होता है वो व्यक्ति अहंकार को खत्म कर सकता है। तो जो अहंकारी होता है वो कभी विनय भाव को प्राप्त नहीं हो सकता है। इसीलिए गुजराती कहावत है, जो नमे ते गमे, जो नमे अच्छे ते बधाने गमे, जो झुकता है वह सबको अच्छा लगता है। तो झुक कौन सकता है, भगवान कहते हैं ऐसे एक मतलब एक मुक्तक है, झुकता वही है जिसमें कुछ जान है, अक्कड़पन खास मुद्दे की पहचान है। वही व्यक्ति झुक सकता है जिसमें जान होती है, प्राण होता है, जिसमें जान नहीं है वो एकदम मुर्दा होता है, मुर्दा व्यक्ति कभी झुक नहीं सकता है। तो जिसमें विनय होता है वो व्यक्ति झुकता है, और झुकने से कितने बड़े बेनिफिट होते हैं, जो वंदना करता है, झुकता है, उससे एक तो विनम्रता का विकास होता है, और हमारा एड्रिनल ग्लैंड है जब झुकते हैं तो दबता है, जिससे हमारा गुस्सा भी शांत रहता है। जितना हम झुकते हैं तो हमारा ब्लड का फ्लो मस्तिष्क की ओर होता है, जिससे मेमोरी पावर भी बढ़ता है। तो बहुत सारे लाभ होते हैं झुकने से। तो और सबसे बड़ा लाभ है कि जो विनय होगा उसको मोक्ष मिलेगा, क्योंकि दसवीं कालिक सूत्र में विनय को मोक्ष का मूल कहा गया है। जो विनय है उसको मोक्ष मिलता है, विनयवान को। जो अहंकारी होता है उसको पग पग पर विपदाएं मिलती है, जो विनय होता है, विनीत होता है, उसको पग पग पर यानी कदम कदम पर उसको सक्सेस मिलती है, सफलता मिलती है। अहंकारी को वो ज्ञान भी प्राप्त नहीं कर सकता, अगर ज्ञान भी प्राप्त करेगा तो उसका राइट नॉलेज नहीं होगा। जो विनय भाव से गुरु से सीखता है वो जो भी सीखेगा वो सही सीखेगा, और सही फिर वो आंसर भी दे पाएगा। तो विनय होता है उसको मोक्ष मिलता है, जो जो अहंकारी होता है उससे मोक्ष दूर होता है, क्योंकि कषाय जब तक खत्म नहीं होती है तब तक वीतराग भाव प्राप्त नहीं होता है, जब तक वीतराग भाव प्राप्त नहीं होता है तब तक मोक्ष भी नहीं मिलता है। भाव सच्चेणम भन्ते जीवे किम जड़ंगे, भाव सत्य अंतरात्मा की सच्चाई, यानी भावधारा की जो निर्मलता, भावधारा की हमारे भावों की जो निर्मलता है, भाव सत्य का मतलब भावधारा की जो निर्मलता है उससे जीव को क्या प्राप्त होता है? भाव सच्चेम भाव विशोहिन जड़ई, भाव सत्य से क्या मिलता है, भावों की विशुद्धि होती है। मतलब जितना जितना हमारी भावधारा निर्मल होती जाती है, पवित्र होती जाती है, प्योर होती जाती है, उतनी उतनी भावों की विशुद्धि बढ़ती जाती है। आप क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे उसका कोई मतलब नहीं, लेकिन आपके भाव यदि अच्छे चल रहे हैं, विशुद्ध हैं, तो उससे मोक्ष जल्दी हो जाता है। इसलिए कहते हैं भावे भावन भाव ही, भावे दीजिए दान, भावे धर्म आराधिए, भावे केवल ज्ञान। भावों भावों से तो केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, और भावों भावों से व्यक्ति नरक में भी जा सकता है। ऐसा एग्जाम्पल आता है ना नमी राजर्षि का, नमी प्रसन्न चंद्र नमी राजर्षि,
प्रसन्न चंद्र नमी राजर्षि भाव भाव से तो नरक के अवश्य कभी दलिक कर्म का बंधन कर लिया, फिर स्वर्ग का भी कर लिया, लेकिन ऐसे भाव बढ़े वापस तो मोक्ष को यानी केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया, भावों से केवल ज्ञान की भी प्राप्ति कर ली। और जो तंदुर मत्स्य था उसने भावों से ऐसे कर्म बांध लिए अंतर मूर्त के आयुष्य के भीतर सात भी नरक में मर करके गया। तो भाव विशुद्धि जरूरी है, आप शरीर से क्या कर रहे हैं उसका कोई इतना फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन भाव यदि हमारी भावधारा पवित्र है उससे क्या होता है बहुत ज्यादा लाभ होता है। और भाव सुधरे तो भव सुधरे, भाव बिगड़े तो भव बिगड़े, जैसा भाव वैसा भव, जैसा हमारा भाव होता है वैसा ही हमारा आने वाला बर्त होता है। यदि हमारे भाव अच्छे चल रहे हैं इसका मतलब है शुभ आयुष्य का बंध होता है, और यदि भाव हमारे नेगेटिव चल रहे हैं नेगेटिव थॉट से चल रहे हैं तो अशुभ आयुष्य का बंध हो सकता है, दुर्गति का भी बंध हो सकता है। इसलिए हम भाव शुद्धि पे ज्यादा महत्व दें। आप काम करते करते भी अपने भावों को अच्छा रख सकते हैं। कई लोग होते हैं इनको टाइम नहीं मिलता, बहुत बिजी होते हैं, लाइफ बिजी है अमेरिका की बताएं हमको, तो आप भाव अपने को अच्छा रख सकते हैं। सपोज आप जॉब भी कर रहे हैं कोई काम भी कर रहे हैं, लेकिन आपकी भावधारा है जो आपके मतलब भाव क्या मतलब है जो थॉट्स है पॉजिटिव है अच्छे हैं, तो उससे क्या है कर्म के बंधन कम होंगे। भाव अच्छे नहीं है ऊपर से तो आप बहुत कुछ कर रहे हैं माला भी फेरे, लेकिन आपका मन कहाँ कहाँ घूम रहा है, आपका मन स्थिर नहीं है, तो उससे कर्म का बंधन ज्यादा होता है। ऐसा नहीं है कि हमारे भाव स्थिर नहीं रहते, मन स्थिर नहीं रहता, तो हम माला नहीं करेंगे, हम सामयिक नहीं करेंगे, कभी करते करते भाव इतने विशुद्ध हो जाएंगे तो आपके भी कर्मों की निद्रा हो सकती है। तो हमें सामयिक में माला तो करना ही है। कई लोग बोलते हैं कि हमारा मन तो स्थिर नहीं रहता है माला नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करना है, माला तो हमें फेरना है, लेकिन माला कैसे फेरना है, श्वासोश्वास के साथ फेरना है, कलर के साथ फेरना है। जितना हम श्वासोश्वास के साथ माला करते उससे हमारा मन कंसंट्रेट रहता है, फिर विचार कम हो जाते हैं, और विचार और ज्यादा आते हो तो आप अपने जीभ को उलट दे तालू से प्लेट से टच कर ले और श्वास के साथ करेंगे तो विचार ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। तो हम करेंगे लेकिन भाव धीरे धीरे हमारे भाव भी श्वासोश्वास के साथ करेंगे, मन एकाग्र होता जाएगा, भाव भी विशुद्ध होता जाएगा। भाव विशुद्ध होगा तो क्या होगा, भाव भी सो ये बट माने जी अरहंत पन्नतस धम्मस आरोहणाय। भाव की विशुद्धि में वर्तमान जीव क्या करता है, अरहंत पन्नतस, अरहंत मैंने अरहत प्रज्ञप्त, धम्मस यानी धर्म की षष्ठी एक वचन, आरोहणाय आराधना आराधना के लिए चतुर्थी एक वचन, अब उठे मैंने तत्पर होता है जब उसकी भाव